लाखों एप्लीकेशन मिलती हैं। ये सब उन रिश्ते करवाने वाली आंटी हैं, फेसबुक और टिंडर का कसूर है, है ना? टिंडे आर द वर्स्ट, आई नो। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बहू और बेटिया अलग और माँ बेटी अलग, यानी कि BBA एंड MBA। आप जरा ये तो बताएं कि आपकी बहू बुलाती क्या है? आपकी बहू बुलाती क्या है? आंटी बुलाती है। आंटी? आंटी? हाँ, तो और क्या बुलाएगी भाई? अम्मी, अम्मा, अम्मी जान, अम्मी जी, बेबे, बीबी, यू नो, मामा, मम्मी, मॉम, कुछ भी। चलो इसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करते हैं। अरे रिजर्वेशन गुगन, ये देखो जरा, पूरा प्रोफाइल पोस्ट से भरा हुआ है और शादी की एक भी तस्वीर नहीं है। और फेसबुक पर इसने अभी तक अपने आप को सिंगल रखा हुआ है। आर यू श्योर यू आर इवल सास मटेरियल? हाँ, मैं एक बहुत ज्यादा इवल सास हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, अच्छी सास में क्या क्वालिटी चाहती हो? सारे घर के काम करवाना, बहू और बेटे को लड़वाना, ताने मारना, उसकी इंसल्ट करना, उसके कपड़ों पर नजर रखना और उसके हर काम में टांग अड़ाना। अरे भाई वाह, क्या बात की है तुमने तो। हा? भाई तुम तो बहुत ही ऑर्डिनरी सास निकली। हमें तो वो सास चाहिए जो लॉन्ग लेग वाली हो। यू नो, ताकि बहू की लाइफ में 24 घंटे टांग अड़ा सके। नहीं नहीं, मैं एक ऑर्डिनरी सास बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक इविल सास हूँ। इविल सास? देन प्रूव इट। हाउ? झाड़ू पोछे के लिए आप क्या करेंगी? मैं मासी रखवाऊंगी बहू की शक्ल में। और बहू के खाने बेहतर बनाने के लिए क्या करोगी? मैं चुपके से उसके खाने में एक्स्ट्रा नमक ऐड कर दूंगी। परफेक्ट बहू कौन होती है? जन्नती बहू, जिसकी जगह मेरे कदमों में। तीन पोतियां दो पोते या दो पोतियां तीन पोते? पांच पोते। अच्छा ये बताओ कि अगर अलग होने की बात छिड़ी तो क्या करोगी? अब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, ठीक है चले जाएंगे हम, वैसे भी कुछ ही पल रह गए इस दुनिया के अंदर, चले जाएंगे इस घर से। ऐसी होती औलाद। Speak of the devil. Hello. आची? हाँ बेटा, क्या हुआ? रुकैया की बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे फौरन निकलना होगा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या आज का खाना आप बना लोगी? हाँ हाँ, तुम जरूर जाओ बेटा उसके पास, और खाने की फिक्र मत करना, मैं देख लूंगी। थैंक यू आंटी जी। सही है। देखा कैसे उंगलियों पे नचाती हूँ। वेलकम टू द बहू इल्लुमिनाटी। वाह!